हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर्स पेपर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मूविंग एवरेज का यूज़ करके किसी भी स्टॉक को कैसे बाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो का पूरा बेनिफिट उठाना है तो मेरा ये वीडियो आप बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है विप्रो। उसके बाद आपको यहाँ पर डी दिख रहा है, वहाँ पे जाके आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, 15 मिनट्स का कर देना है। उसके बाद इंडिकेटर पे जाना है, वहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च करना है आपको। मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाके आपको 9 की जगह 30 करना है और यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ जाएगी। अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने नीचे से ब्लू ब्लू लाइन को क्रॉस किया है। देखिए, यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे बहुत सारी जगह। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी। जैसे आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी कि जिस भी कैंडल ने इस ब्लू लाइन को क्रॉस किया, उस कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग उसके ऊपर है ब्लू लाइन की, तो आपको जिस लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया उसका हाई आपको याद रखना है। जैसे कि इसका हाई था 602.3 और आपको उसके तुरंत बाद की कैंडल को देखना है कि वो उस हाई को क्रॉस करती है या नहीं। अगर वो उस हाई को क्रॉस करती है तो आपको वहाँ पे एंट्री ले लेनी है। और मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दूं। आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में जाना है और जिस लाइन ने क्रॉस किया उसके हाई पे आपको इसको पेस्ट करना है। और उसके दो तीन कैंडल नीचे का जो स्विंग होगा, स्विंग लो होगा, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस, और जब तक यहाँ पे वन नहीं हो जाता तब तक इसको यहाँ पे प्लेस कर देना। अब यह वन हो गया, मतलब ये 1:1 का रेशो होगा, तो आपका एंट्री होगा 602, आपका स्टॉप लॉस होगा 598 और आपका टारगेट होगा 605। देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का क्लोज ब्लू लाइन के नीचे, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनी, उसने क्रॉस किया और उसका क्लोजिंग भी ब्लू लाइन के ऊपर है, पर उसके तुरंत बाद की जो कैंडल है उसने उसका हाई नहीं तोड़ा, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती। गाइज, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको वही पे एंट्री लेनी है जहाँ पे स्टॉक पहले ब्लू लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है और फिर उसके बाद वो ऊपर जाके ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे लाइन पे आया, फिर नीचे गया और उसके बाद वो ऊपर गया, तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी। तो आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, पर ये स्टॉक पहले नीचे नहीं गया है, तो आपको ऐसी जगह अवॉइड करनी। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखो, स्टॉक पहले नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और एक ग्रीन कैंडल बनी और उसका क्लोजिंग भी ब्लू लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड निकल लेते, इसके ऊपर रखते हैं और इसका स्विंग लो यहाँ पे और 1:1। ठीक है, तो इसका एंट्री पॉइंट होगा 600, टारगेट होगा 604 और स्टॉप लॉस होगा 596। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट पे और वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।